Hello guys, my name is Adil and you are watching the Biomed Dude. Today we are discussing the mechanical ventilator. This is Macbeat S servo ventilator. In this video, we will explain the parameter of this ventilator, also explain the modes of this ventilator and error list and other features. So let's get started. ओके गाइज, ये इसके रियर सेक्शन है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की और एयर की सप्लाई कनेक्ट होती है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे पावर कनेक्शन है और एक वायर जो है वो ये मेन स्क्रीन के साथ अटैच होती है। इस तरह यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, इसको हम स्लाइड करेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा और उसके बाद ये इसका जो कवर है वो बंद हो जाएगा। ये इसका एक सेफ्टी फीचर्स है। अभी हम फ्रंट पे आते हैं तो ये अभी इसकी जो प्री चेक है वो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मैसेज देता है कि आप इसको प्री चेक करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दें, अगर नो कर दें। और इसी तरह सेम आप जो पुराना पेशेंट डाटा उसको रिकवर करना चाहते हैं यस और नो कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो करंट स्टेटस आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी आपका जो प्री चेक है वो परफॉर्म नहीं है और उसके साथ उसको डेट दे रहा है। तो उसमें क्या करेंगे कि ये हम अगर आप करना चाहते हैं तो हम प्री चेक पे क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे तो ये प्री चेक पे चला जाएगा। उसमें ये होता है कि आप अगर आपकी मर्ज़ी आप करना चाहते हो तो आप कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। तो ये सेम हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए हैं जो कि वन बाई वन इसको चेक करेगा और उसके बाद इसको टेस्ट पास करेगा। तो अभी हमारी जो एयर आउटलेट हैं वो सारे चेक हो गए हैं तो हम टेस्ट ट्यूब कनेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो गाइस, जो सेल्फ टेस्ट है वो मुकम्मल पास हो चुका है। अब ये दोबारा स्टैंड बाई पे आ गया। यहाँ पे अगर आपने डाटा रिकवर करना है, पिछला जो पेशेंट डाटा है, यस कर दें या नो कर दें। तो अब हमारे पास जो अपडेट स्टेटस है वो आ गया है, जिसमें जिसने प्री चेक लिस्ट है वो करंट डेट की उसने अपडेट कर दी है, उसके साथ जो उसका सर्किट टेस्ट है वो भी उसने पास कर लिया है। तो सिंपली इसी तरह हम उसके मोड्स में जाते हैं तो इसका टाइडल वॉल्यूम, इसका रेस्पिरेशन रेट और पीप वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशंस जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये एक इसका करंट मोड है। और इसी तरह अगर हम स्टैंड बाई को दोबारा जो है वो प्रेस करते हैं तो सेटिंग वैल्यू चेंज करने के बाद ये ऑपरेटिंग वैल्यू ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसके साथ टेक्स्ट लाइन कनेक्ट करेंगे और इसको जो है वो फंक्शनल हालत में ले आएंगे। अभी जो है चूँकि हमारा जो टेस्ट लंग है वो प्रॉपर उसकी पीप वैल्यू कंसिडर नहीं हो रही, इसलिए ये जो है हाई पीआर का अलार्म दे रहा है। तो इसको हम कंट्रोल करेंगे तो इसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो अकॉर्डिंग टू द सेटिंग आ जाएगा। और ये इसकी डिफरेंट सेटिंग है जिसके हम जो अलार्म सेटिंग है इसके अंदर हम आपको डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसको सेट कर सकते हैं, अलार्म की वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम वॉल्यूम कंट्रोल में जाते हैं तो यहाँ पर इसके 5 डिफरेंट मोड्स जो है ना वो निकल के हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल और सीपैप है, इसके बाद SIMV जो है वो प्रेशर कंट्रोल के साथ है और प्रेशर सपोर्ट्स के साथ है। और इसमें जो है डिफरेंट मोड्स की डिफरेंट सेटिंग है, आप इसको वन बाय वन करके सेट कर सकते हैं। जैसे अब ये प्रेशर मोड्स में है तो हम इसको प्रेस करके प्रेशर्स की वैल्यू जो है वो हम सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल में वॉल्यूम की सेटिंग प्रेस वॉल्यूम की सेटिंग कर सकते हैं, इसी तरह प्रेशर में प्रेशर की सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी हमने इसको प्रेशर जो कंट्रोल मोड है उस पर ऑपरेट कर लिया है तो सिंपली वही प्रोसीजर्स है जैसे हमने वो वॉल्यूम कंट्रोल में किया था, इसी तरह प्रेशर कंट्रोल में है। हम इसको थोड़ा सा पीप वैल्यू जो है वो लंग्स को देंगे क्योंकि इसके साथ प्रॉपर कैलिब्रेटेड अभी जो टेस्ट लंग है वो हमने अटैच नहीं किया हुआ, तो सिंपल जो है वो बेलो के साथ जो आता है बेलो सिंपल जो सर्किट के साथ आता है उसी को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह जो नीचे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं इसको हम यहाँ पे जो नोब्स लगे हुए हैं इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। और जो साइड पे वैल्यू आ रही हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जो पेशेंट्स को डिलीवर हो रही हैं। अलार्म वैल्यू में आप अलार्म को सेट कर सकते हैं, साइलेंट में कर सकते हैं। इस तरह ये ट्रेंड सेट है इसका,
जिसके ऊपर पूरा ग्राफ बनता है, पिछले कौन कौन से लाम आए हैं और किस तरीके से आए हैं। और इसी तरह से जो बाकी जो डिफरेंट्स वो बटन हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हैं। इसी तरह यहाँ पे हम जाएंगे तो ये मेन्यू में जाएगा और इसके बाद इसकी डिफरेंट ऑप्शंस में जाएगा। यहाँ पे हम आपको इसका ट्रेंड सेट और ग्राफ जो है डिफरेंट कर्व्स जो बनाते हैं वो दिखा सकते हैं। इसी तरह इसकी जो दूसरी वैल्यूज़ है यहाँ पे हम सेट करते हैं मेन्यू में, वो दिखा रहा है। रिव्यूज़ के अंदर जाके आप इसके बाकी जो मोड्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेम वही ऑपरेशन है जिस तरह के नॉर्मल जो वेंटिलेटर्स का होता है, बाकी वेंटिलेटर के साथ इसी तरह से है। अब अगर हम इसको स्टैंड बाई पे करना चाहें तो इसको प्रेस करेंगे तो स्टैंड बाई पे चलेगा। उसके बाद बायोमेडिकल में जाएंगे तो बायोमेडिकल के अंदर इसका स्पेसिफिक पासवर्ड होता है जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये उसकी पैरामीटर सेटिंग में चले जाएं जिसके अंदर आप डेट टाइम और बाकी सेटिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर आपने शो करवाने हैं और कौन से नहीं शो करवाने। तो ये वाली वैल्यूज़ वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह जो आप इसका जो पासवर्ड है वो आप अगर आप चेंज करना चाहें तो उसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको जो है वो इसका जो एक एक्स्ट्रा मोड होता है वो है लॉक एंड की। लॉक एंड की में ये होता है कि आप इसको एक दफ़ा सेटिंग सेट करने के बाद उसको लॉक को प्रेस कर देंगे तो वो दोबारा कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं करेगा आप अनटिल उसको अनलॉक ना करें। तो ये इसका एक सेफ्टी फीचर्स है कि कोई और अनऑथेंटिक जो पर्सन है वो इसको वेंटिलेटर को नहीं छेड़ सकता। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।